अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि कितनी ऊंची चढ़ाई है। यहाँ पे अनुमान लगा के देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी टेढ़ी खड़ी हुई है और इस रोड पे मुझे चढ़ाना है तो कैसे सही तरीके से जो सही लोकेशन होता है, कौन सा क्लच, कितना ब्रेक, क्या मुझे यूज करना है, तो मैं उस तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे चढ़े पे गाड़ी चढ़ानी है। रिवर्स करने के दरमियान हमें अपने क्लच वाले पैर को नहीं हटाना है, चाहे इसके लीटर पर से आप हटा लें, चाहे ब्रेक पर से पैर हटा लें। जब रिवर्स करते हैं तो हमें पैर अपना क्लच पर से नहीं हटाना, ये सही तरीका जो होता है वो कैसे कंट्रोल करना चाहिए तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे नए बिगनर हो या पुराने बिगनर हो, उनको दिक्कत होती है गाड़ी रिवर्स में चढ़ाई पे चढ़ाना या अपने कहीं पे भी स्लोपर पर बैक करके गाड़ी चढ़ाना, या आपको क्या क्या वहां पे सावधानी रखनी चाहिए, कैसे जजमेंट लेना चाहिए, कितना क्लच छोड़ना चाहिए, कितना स्किलीटर दबाना चाहिए, क्या आप सही तरीके से कैसे अपनी गाड़ी को रिवर्स करके आप स्लोप पे कैसे चढ़ा सकते हैं, या कहीं पे चढ़ाई वाली रोड है या चढ़ाना स्लोप पे गाड़ी चढ़ानी है तो आप कैसे चढ़ाएंगे, तो आज इसके मध्य से मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और अपनी गाड़ी को सही तरीके से कैसे चढ़ानी है। तो गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करें, कमेंट करना गाइस न भूलें, क्योंकि गाइस आपको जब किसी भी कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें। सो गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। मैं बाहर से कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड गई हुई है, आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे स्लोपर है, जो कि गाड़ी हमारी स्लोप पे चढ़ने की तादाद में कैसे खड़ी है। तो गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ चढ़ाई पे आपको कैसे गाड़ी चढ़ानी है और क्या क्या सावधानी रखनी है जब आप अपनी गाड़ी को चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि कितनी ऊंची चढ़ाई है। यहाँ पे अनुमान लगा के देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी टेढ़ी खड़ी हुई है और इस रोड पे मुझे चढ़ाना है तो कैसे सही तरीके से जो सही लोकेशन होता है, कौन सा क्लच, कितना ब्रेक, क्या मुझे यूज करना है, तो मैं उस तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे चढ़े पे गाड़ी चढ़ानी है। गाइस देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ये रोड कच्ची हुई है, बट यहाँ पे रोड बगल में है और देख सकते हैं आप कितना ढाल पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी क्या सलूशन होता है जो अपनी हम गाड़ी को जब आगे चलाते हैं। अभी गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ पे गाइस मैं बैठ रहा हूँ अपनी गाड़ी में और आपको दिखाऊंगा कैसे गाड़ी स्लोप पे चढ़ाना है। अब यहाँ पे गाइस मेरा हैंड ब्रेक लगा हुआ था, मैंने इसको रिलीव किया और ये न्यूट्रल हो गई है। अभी मैं गाड़ी को जाने दूंगा गाइस आगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप है। मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख लीजिए यहाँ पर इतना ज़्यादा स्लोप है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूं और यहां पे गाइस आप देख रहे हैं कि मेरे जो राइट साइड मिलर है, बीच वाला मिलर सेट है, लेफ्ट वाला मिलर भी सेट है, तो इन तीनों मिलरों के जज करते हुए मैं अपनी गाड़ी को बैक करूंगा सही तरीके से जो सही लोकेशन होती है। अब यहां पे मैंने गाइस क्लच दबाया, गाड़ी में स्टार्ट है और रिवर्स बैक गियर मैं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइस हल्का सा मैं अपने स्किलीटर का सहारा लूंगा और क्लच पर से पैर नहीं हटाऊंगा, क्योंकि गाइस जब भी हम गाड़ी अपनी रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के दरमियान हमें अपने क्लच वाले पैर को नहीं हटाना है, चाहे स्किलीटर पर से आप हटा लें, चाहे ब्रेक पर से पैर हटा लें। जब रिवर्स करते हैं तो हमें पैर अपना क्लच पर से नहीं हटाना, ये सही तरीका जो होता है वो कैसे कंट्रोल करना चाहिए तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे रिवर्स गियर लगा दिया, अब मैं क्या करूंगा, हल्का हल्का क्लच छोड़ूंगा, जहाँ पे सही मोमेंट मुझे मिलेगा कि मेरी गाड़ी बढ़ने लगी, वाइब्रेट करने लगी, क्योंकि हल्का हल्का इसकी हीटर में दबाऊंगा और हल्का हल्का पैडल क्लच का छोड़ूंगा, राइट वाला पैर मैं नीचे की तरफ इसकी हीटर की तरफ दबाऊंगा और स्पीड बढ़ाने के लिए, और लेफ्ट वाला जो पैर है उसको मैं धीरे धीरे ऊपर उठाऊंगा, जैसे कि मेरी गाड़ी कुछ सही तरीके से जज करते हुए कुछ इस तरीके से चलने लगी है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे स्लोप पे कैसे चढ़ रही है, आप देख रहे हैं
कि मैंने क्या किया है, आराम से अपनी चढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है, तब भी आराम से मेरी गाड़ी चढ़ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से सही जजमेंट लेते हुए मैं अपनी गाड़ी चढ़ा रहा हूँ। और गाइस आपको हाफ क्लिक में गाड़ी चढ़ानी है, जितनी आपकी गाड़ी बढ़ती रहे, और इसकी लीटर का जो पैर है उसको आपको दबा रखना है। अब यहाँ पे गाइस देख लीजिए कितनी आसानी से मैं अपनी गाड़ी को चढ़ा रहा हूँ जब भी, क्योंकि गाइस ये चढ़ाई पे चढ़ाना तो बहुत ही टिपिकल होता है, मगर जब हम सही तरीके से अपनी गाड़ी को चला लेते हैं तभी हम अपनी गाड़ी पे। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी को जजमेंट सही तरीके से मिल रहा है, मैं अपनी गाड़ी बैक कर रहा हूँ और सही तरीके से लोकेशन से अपनी गाड़ी को इस तरीके से चढ़ा लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना स्लोप था, तब भी मैंने बहुत सही तरीके से अपनी गाड़ी को चढ़ाया। और जब चढ़ाने पर गाइस गाड़ी रिवर्स में करने के बाद चढ़ाते हैं तो कई दिक्कतें आती हैं, तब गाइस हमें क्या करना चाहिए कि अपने क्लच वाले पैर को जो है आपको पैर क्लच पर से नहीं हटाना, हाफ क्लच में जब आपकी गाड़ी वाइब्रेट करने लगे तभी आपको इसके लीटर को प्रेस करना है, इसके लीटर थोड़ा सा ज़्यादा देना है, क्योंकि गाइस गाड़ी जब पीछे चढ़ेगी तो प्रेशर से वो जब ज़्यादा उसको प्रेशर चाहिए तभी चढ़ पाएगी। हाफ क्लच में आप जितना ही गाड़ी को यूज करेंगे उतना ही सही तरीके से आप अपनी गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। तो गाइस जब भी आप गाड़ी को चढ़ाएं तो अपने तीनों मिलर में सेट करके देख लें और सेट रखें, क्योंकि गाइस जब है हम आप गाड़ी चढ़ाएंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड और पीछे जजमेंट लेते हुए तभी हम गाड़ी चढ़ाएंगे स्लोप पे। और जब सही लोकेशन हमें मिल जाती है और सही तरीके से जब हम चढ़ा लेते हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाड़ी हमें चढ़ाने में। तो गाइस आई होप आप सभी लोग अपनी इस ट्रिक को सही तरीके से यूज करेंगे और अपनी गाड़ी बैक रिवर्स गाड़ी करके आराम से स्लोप पे या चढ़ाई पे कहीं चढ़ाना हो तो आप चढ़ा सकते हैं। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट करना गाइस ना भूलें, क्योंकि गाइस आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे सुझाव मिलता है और जानकारी मिलती है कि आपको क्या क्या जानकारी उसमें से चाहिए। तो गाइस आप मुझे इजाज़त दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।